उत्तर प्रदेश के आखिरी चरण का चुनाव प्रचार। मोबाइलवा थोड़ा सा साइलेंट कर दीजिए लोग, थोड़ा सा चचा तारा नोकिया के चक्कर में हमारे सैमसंग हो गए। उत्तर प्रदेश का चुनाव का आखिरी चरण का प्रचार अब थम चुका है और अभी मैं गाजीपुर रेलवे स्टेशन पे हूँ और यहाँ पे आम लोगों के बीच में हूँ। कुछ लोग शराब भी पिए हैं, चुनाव का नशा है जो चढ़ जाता है और उस नशा में लोग कभी कभी तू भी ही जाते हैं। तो कुछ युवा है, कुछ बुजुर्ग लोग हैं और कुछ ऐसा नहीं हो सकता जिनका चुनाव में ड्यूटी लगा है। सबसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है इस बार उत्तर प्रदेश में और गाजीपुर में किसकी सरकार बन रही है। चाचा की सरकार बन रही है। चलिए भाजपा का खतरा ही नो 275 नहीं कहिएगा, 275 चलिए 375 नहीं कह रहे हैं चाचा, 275 कह रहे हैं। एक हमारी चाची है यहाँ पे, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर इस बार चुनाव में अहम मुद्दा क्या क्या था और किस चीज पे सरकार को काम करना चाहिए। चाची इस चुनाव में क्या क्या अहम मुद्दा था? अभी वर्तमान में जो है, हाँ वर्तमान में, अच्छा सरकार को क्या क्या चीज पे काम करना चाहिए सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा बच्चों का स्कूल नजदीक खोलना चाहिए ताकि बच्चे बाहर नहीं जाएं पढ़ने के लिए। बाहर भेजने से माँ बाप को भी बहुत परेशानी होती है, कितने बच्चे फंसे हैं तो कितने माँ बाप का सुकून चला गया है कि मेरे बच्चे वापस नहीं आए। यानी तो यूक्रेन वाला भी एक समस्या। थोड़ा सा आप लोग साइड कीजिए ना, तार तूर आएगा सब कैमरा में। अगर हमारे देश के बच्चे यूक्रेन जा रहे हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत में औसतन मेडिकल का खर्च जो है 1 करोड़ से ज़्यादा है और यूक्रेन में वही बच्चे जो है 25 से 30 लाख रुपया में डॉक्टर बन जाते हैं। और सच्चाई ये है कि 16 लाख बच्चे जो है हर साल डॉक्टरी का एग्जाम देते हैं और सीट जो है इस देश में सिर्फ और सिर्फ 1 लाख है और डॉक्टरों की संख्या भी इस देश में बहुत कम है। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा यादव जी ये बताइए इस बार किसकी सरकार बन रही है? सर सपा की बन रही है। सपा की बन रही है, अच्छा सपा की सरकार क्यों बनेगी? सर पहले शिक्षा का माहौल है, नौकरी मिलेगी। कितना लाख लोगों को सपा नौकरी देगा? 10 लाख से अधिक। चलिए आप भी एक घोषणा कर दिए। क्या नाम हुआ आपका? नाम परविंदर यादव है। अच्छा ये बताइए किसकी सरकार बन रही है इस बार? सपा की सरकार। अच्छा सपा की सरकार क्यों बन रही है? सबसे पहले बात ये बेरोजगारी जितना फैली हुई है ना, ये सबसे पहले मुद्दा ये है। कोई व्यक्ति कोई लड़का। अच्छा 2017 में अखिलेश यादव चुनाव हार क्यों गए? सबसे बड़ी बात है उसमें धांधली बहुत ज्यादा हुई थी 2017 में, धांधली ज्यादा हो गई। अभी भी देखिए तो अगर इस बार धांधली हो जाएगी तो फिर इस बार हार जाएंगे। कार्यक्रम चल रहा है सब धांधली का। हाँ ये सब चालू है माहौल ये सब। हाँ लेकिन इस बार हारेगी नहीं, इस बार हारेगी नहीं चाहे कितना भी धांधली हो जाए। यहाँ पे एक और व्यक्ति है, क्या नाम हुआ आपका? अच्छा किसकी सरकार बना रहे हैं अहमद साहब? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी की? अच्छा तो इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मायावती जी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं और हाथी को देखने का प्रयास हम लोग भी कर रहे हैं कि इस बार जो है बहन मायावती जी का मतलब कि कितने प्रत्याशी जीत के आएंगे। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा हिमांशु जी गाजीपुर में है। गाजीपुर शहर कैसा है? ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया।